दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से 30 बड़े मजेदार सवाल पूछेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सभी जो है सवाल वो बीमारी के बारे में बताई गई है और सिखाई गई है। तो वीडियो को शांत से जरूर देखें। सवाल नंबर 1, पुरानी दर्द 2 से 3 दिन में दोस्तों कैसे ठीक होता है? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी जो है आप तक मिलती रहे मेरे भाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है हल्दी वाला दूध पीने से पुरानी दर्द ठीक हो जाता है। भैंस का दूध होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी कूट करके डाल दीजिए और गांठ गांठ की दर्द अगर है आपको तो तुरंत ठीक हो जाता है। दोस्तों, बहुत सभी लोगों को पुराना दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं ठीक होती है, लेकिन इस दवा से ठीक होती है। सवाल नंबर 2, लिकोरिया की बीमारी कैसे ठीक होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है देसी गाय के दूध और एक केला रोज खाने से लिकोरिया की बीमारी की अंत हो जाती है, इसीलिए जरूर खाना चाहिए जिन लोगों को लिकोरिया की बीमारी है। सवाल नंबर 3, जीवन में किसका दिल घर में नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो बड़क नहीं होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है देवी माँ और दुर्गा माता को और माता पिता को और सभी देवता को दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो बरकत नहीं होती है। सवाल नंबर 4, कम नींद लेने वाले को कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है कम नींद लेने वाले को शरीर की खून की कमी हो जाती है और हड्डी भी कमजोर हो जाती है, इसीलिए कम नींद नहीं लेना चाहिए। सवाल नंबर 5, किस देवी को पूजा पाठ करना जीवन में भूल कर नहीं छोड़ना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है सबसे ज्यादा दुर्गा माता का पूजा करना चाहिए, सरस्वती का पूजा करना और सब देवता को खूब पूजा करना चाहिए। सवाल नंबर 6, घर में बरकत क्यों नहीं होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है बच्चा जब घर में पढ़ा लिखा नहीं रहता है तो घर में बरकत नहीं होती है, इसीलिए खूब पढ़ाना चाहिए बच्चे लोगों को। सवाल नंबर 7, किस चीज का पेड़ घर के पास नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है बेल का पेड़ जो है घर के पास में रखने से लक्ष्मी तुरंत भाग जाती है, इसीलिए बैर का पेड़ नहीं रखना चाहिए। सवाल नंबर 8, किस दिशा में बैठकर पूजा करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है कभी भी 3 दिशा में मुंह करके पूजा करने से पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में घर में बरकत होता है और लक्ष्मी माता आती है। सवाल नंबर 9, अमीर बनने के लिए कौन सा काम करना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है अमीर बनने के लिए खूब पूजा पाठ करना चाहिए माता देवी का और देवी दुर्गा का, कि खूब आदमी अमीर बन जाए दोस्तों पूजा पाठ करने से। सवाल नंबर 10, इस धरती पर लोग ज्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है पूजा पाठ नहीं करने से लोग गरीब होते जा रहे हैं और पैसा नहीं कमाने से लोग जो है वो गरीब होते जाते रहे, इसीलिए पैसा खूब कमाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 11, सुबह जगने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है सुबह जगने के बाद में सबसे पहले लेटिंग जाना चाहिए, नहीं तो लकवा फालिस की बीमारी हो जाती है सुबह के समय में। बहुत सभी लोग है कि काम करने में लगते हैं उसको लकवा फालिस मार देता है दोस्तों। सवाल नंबर 12, सुबह नहाने के बाद कौन सा काम जरूर करना चाहिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है सुबह जगने के बाद में स्नान ध्यान और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, घर में माता लक्ष्मी आती है, घर में बरकत होता है और पढ़ने वाले बच्चे को मन लगता है और सब परिवार जो है खुशहाल रहता है, इसीलिए जरूर पूजा पाठ करें। सवाल नंबर 13, सुबह मुंह धोने के बाद क्या करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
दोस्तों इसका सही आंसर है सुबह मुंह धोने के बाद नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो पेट में गैस बनता है। पेट में गैस बनने के कारण बीमारी में पैसा जो है उस सब लग जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 14, इस धरती पर आए हो तो सब काम छोड़कर कौन सा काम जरूर करना चाहिए दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है सब काम छोड़कर मेल मिलाप सभी आदमी से जरूर रखना चाहिए कि कभी कोई आदमी से जरूरत पड़ जाए। सवाल नंबर 15, कंप्यूटर पर काम करने वाले आदमी को सबसे ज्यादा क्या खाना में खाना चाहिए कि शरीर सुंदर और स्वस्थ बन जाए और आदमी बीमार ना हो? दोस्तों इसका सही आंसर है कंप्यूटर पे काम करने वाले आदमी को केला और दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे आंख की रोशनी जो है वो खूब बना रहता है दोस्तों और सेहत भी बनता है। सवाल नंबर 16, घर में तुलसी माँ जी का पूजा करने से क्या फायदा मिलता है? दोस्तों इसका सही आंसर है माँ जी का तुलसी का पूजा करने से घर में कोई बीमारी नहीं आती है और घर में लक्ष्मी माता जो है स्वयं घर में आकर निवास करती है। सवाल नंबर 17, ज्यादा अमरूद खाने से कौन सा चीज पेट की खराब हो जाती है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है लीवर और आंतें पूरा खराब हो जाता है ज्यादा अमरुद खाने से, इसीलिए खाली पेट जो है अमरुद नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद एक दो जरूर खा लें तो खा लें, नहीं तो ज्यादा ना खाएं। सवाल नंबर 18, माता लक्ष्मी जी को पास कौन सा चीज हमेशा रखना चाहिए दोस्तों? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है गणेश भगवान का फोटो और 2-4 10 रुपया जरूर रखना चाहिए कि घर में लक्ष्मी माता हमेशा रहे। सवाल नंबर 19, पेट में गैस क्यों बनता है दोस्तों? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है भोजन सही नहीं पचने के कारण पेट में गैस बनता है, इसीलिए अच्छा भोजन करना चाहिए। सवाल नंबर 20, सुबह में कौन सा देवता का नाम जरूर लेना चाहिए दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है हनुमान जी का जरूर लेना चाहिए और सुबह के समय में कोई भी देवता का जरूर नाम लेना चाहिए, इससे बीमारी मिटती है। सवाल नंबर 21, किडनी क्यों खराब हो जाता है दोस्तों? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है लीची नहीं खाने के कारण पेट में किडनी जो है वो खराब हो जाती है, इसीलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं कहूँगा कि एक लीची खाने के नहीं से किडनी खराब हो जाती है, इसीलिए सीजन में जो है 2-4 10 जो है लीची वो खा लें कि किडनी कभी ना खराब हो दोस्तों। सवाल नंबर 22, कौन सा चीज है मन में हमेशा रखना चाहिए दोस्तों? आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है धनवान बनने की उम्मीद और हमेशा रखना चाहिए, मन में गरीब बनने की उम्मीद कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आदमी के घर में लक्ष्मी नहीं आती है। माता लक्ष्मी आती है कब? जब धनवान बनने की उम्मीद हमेशा मन में रहता है तो दोस्तों। सवाल नंबर 23, अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को दोस्तों? नहीं जानते हैं तो कुछ सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है अमीर बनने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा काम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने से आदमी जो है धनवान बनता है, अमीर बनता है, इसीलिए देवता को पूजा जरूर करें। सवाल नंबर 24, मछली खाने से कौन सा दो बीमारी भूल कर भी नहीं पेट में होती है दोस्तों? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि ऐसी जानकारी आप तक मिलती रहे दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है मछली खाने से शुगर और लकवा की बीमारी कभी जीवन में भूल करके भी नहीं होती है, इसीलिए मछली जो है वो खूब खाना चाहिए। केवई मछली अगर मिले तो और सुंदर है, क्योंकि केवई मछली का जो है वो शुगर की दवा बनता है, खूब खाना चाहिए केवई मछली दोस्तों। सवाल नंबर 25, आंतों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना में खाना चाहिए दोस्तों? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करें।
दोस्तों इसका सही आंसर है पालक का सब्जी खूब खाना चाहिए सीजन में, उससे लीवर जो है वो लोहा हो जाता है, भरपूर मात्रा में उसमें लोहा पाया जाता है, इसीलिए पालक की सब्जी जो है वो खूब खाना चाहिए, उसमें लोहा विटामिन पाई जाती है। सवाल नंबर 26, दूध जिन लोगों को नहीं पच रही हो तो दूध में क्या डालकर पीना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर है हरा रंग वाला इलायची डालकर और थोड़ा सा चीनी दूध में खूब औंट दें, उसके बाद में पिए, पेट में गैस भी नहीं बनेगा और बीमारी भी नहीं होगी, मुंह से बदबू भी नहीं आएगा और दूध जो है वो आसानी से कोई भी दूध हो पचने लगेगा। दोस्तों सवाल नंबर 27, किस चीज़ का सब खूब खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है पनीर की सब्जी खूब खाना चाहिए, पनीर की सब्जी खाने से पेट जो है वो साफ रहता है, सुंदर रहता है। सवाल नंबर 28, आंतों में रेशा बनाने के लिए क्या चीज खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि जानकारी आप तक मिलती रहे मेरे भाई। दोस्तों इसका सही आंसर है सीजन में आम खूब खाना चाहिए आंतों में रेशा बनाने के लिए, जो आदमी आम नहीं खाते हैं उनके आंतों के रेशा जो है वो मर जाता है, इसीलिए अतरी के रेशा पाने के लिए नाया आम खूब चूस चूस करके गर्मी के मौसम में खाना चाहिए। दोस्तों सवाल नंबर 29, ग्लूकोज पीने से क्या फायदा मिलती है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है ग्लूकोज पीने से शरीर कमजोर नहीं होता है और खून की कमी नहीं होती है। औरत लोगों को ग्लूकोज जो है वो गर्मी के मौसम में खूब पिलाना चाहिए, ग्लूकोज पीने से सेहत अच्छा रहता है और खून की कमी शरीर में नहीं होती है, तो तबीयत जो है वो खराब नहीं होती है, इसीलिए ग्लूकोज दोस्तों खूब पीना चाहिए। सवाल नंबर 30, हरा साग सब्जी खाने से कौन सा बीमारी नहीं होती है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है हरा साग सब्जी खाने से कुपोषण की बीमारी कभी नहीं होती है, जीवन में भूल करके भी लकवा की बीमारी नहीं होती है जीवन में भूल करके भी, इसीलिए हरा साग सब्जी जो है वो खूब खाना चाहिए, आंखों की रोशनी खूब बनी रहती है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ऐसी जानकारी हमेशा आप लोग के पास तक हम पहुँचाते रहें दोस्तों, और आप लोग जो हैं बीमारी से बचे रहें, क्योंकि बीमारी में बहुत सारा पैसा जो है वो लग जाती है। दोस्तों हाथ जोड़ करके मैं यही कहूँगा दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।